बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालियाती निज़ाम के बारे में हम तफसील से बता चुके हैं कि किताब अल्लाह में रब ताला शानों ने अपने मोमिन बंदों को हुक्म दिया कि वो ज़कात अदा करें। सालाना अपने माल में से 2.5% यानि 40वां हिस्सा अल्लाह के नाम पर निकाल कर उन लोगों को दे दें जिसका जिक्र कुरान में आया था और हमने बयान भी कर दिया है। हम ये कहना चाहते थे कि मालदारों का माल उन्हें मुबारक हो, लेकिन उस माल पर साल बीत जाने के बाद उन्हें 40वां हिस्सा उन लोगों के घर जाकर के देना है और हवाले करना है जिनका हम पर कोई हक नहीं। यानी हम अपने माँ बाप को नहीं दे सकते, बेटों को नहीं दे सकते जिनकी कफालत हमारे जिम्मे है। और आपके सामने ये बात तफसील से रखी गई थी। साथ में साहिब ने यह भी अर्ज किया था कि इस्लाम ने फजूल खर्ची को बंद किया। इस वक्त की मजलिस में हम ये कहना चाहेंगे कि गरीबी को दूर करने के लिए या गरीबों की सतह को ऊंची उठाने के लिए उनको सबको मालदार बना दिया जाए, ऐसा कुछ मकसूद नहीं है। मकसूद ये है कि जो गरीब हैं, रोजी रोटी से महरूम हैं, या जिनको नपातुला रिज़्क़ कुदरत की तरफ से मिलता है, या सरमायेदार के जुल्म के सबब, इंसानों की फजूल खर्ची के सबब, ब्याज और सूद के सबब इनका हक मार दिया गया है, इस्लाम ने उसके लिए प्रोविजन किया कि एक तरफ तो मालदारों के माल का 40वां हिस्सा उनको हर साल दे दिया जाए, दूसरे माना ये हुए कि 40 साल के फेरे में मालदारों का माल पूरा का पूरा गरीबों की जेब में चला जाए। और साथ ही साथ इसके हमने ये भी अर्ज किया था, फिर दिखाते हैं कि अपने त्योहारों में खुशी के मौके के ऊपर, खास तौर पर ईद उल फितर के मौके के ऊपर, मुसलमान अल्लाह की बंदगी के लिए ईदगाह या मस्जिदों में जाएं, नमाज के पहले घर के हर फर्द के बारे में गेहूं या चावल निकाल करके गरीब तक पहुंचा दें, फिर नमाज के लिए जाएं। बंदों का हक बंदों को, अल्लाह का हक यह है कि उनकी इबादत की जाए, तो उसकी इबादत के लिए रब ताला के सामने वो तकबीर कहते हुए सजदे करें। आदमी मालदार हो या गरीब हो, मरना सबको है। मालदार ने माल चुका है, मिम्मा कल्ला कसर नसीब मफरूजा, थोड़ा हो या ज्यादा उसके कोई मकदार नहीं। जो भी हो, मकान छोड़ा हो, मरने वाले ने खेत छोड़ा, नकद पैसा छोड़ा, हवेली छोड़ मरा वो, और तिजारत का माल जो कुछ उसने छोड़ा है उसके लड़के लड़कियों में और उसकी बीवी में उसको तकसीम कर दिया जाएगा, और माँ बाप जिंदा हो तो उनका भी हिस्सा उनको मिलेगा। इस तरह इस्लामी उसूल माशियात के, अर्थ के, जिसको हम मालियाती निज़ाम का तंत्र कहते हैं, जिस पर हुकूमत भी अमल करती हैं, लेकिन मेरा यहाँ तक ख्याल है कि हुकूमतें भी गरीबी की रेखा को नीचे लाने में कामयाब नहीं है। इसलिए समाज ने, खास तौर पर मुसलमानों ने, विरासत की तकसीम की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। जिस तरह नमाज फर्ज है, रोज़ा फर्ज है, फर्ज है, कफ़ारे की अदायगी ज़रूरी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें बड़ी अहम चीज़ विरासत की तकसीम है। अब जब हम मर गए, बदन हमारा दफन कर दिया गया, माल खड़ा हुआ है, माल हमारे किस काम का, इसलिए उसे वारिसों में तकसीम होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जिस आयत का हवाला मैंने सूरह निसा के दिया है, आप उसे पढ़ करके देखेंगे। आपकी सहूलत के लिए, चूंकि रुकू बड़ा तवील है लेकिन थोड़ा सा ही वक्त लगेगा, मैं पढ़कर सुनाता हूँ। तुम्हारी औलाद के बारे में अल्लाह का इरशाद है कि मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर है, अगर दो से ज्यादा सिर्फ लड़कियाँ हों तो तरके में यानी के छोड़े हुए माल में इनको हिस्सा मिलेगा, और अगर एक ही लड़की वारिस हो तो इसे आधा दिया जाएगा। यानी मुर्दा जो छोड़ के मरा है
आधा माल उस एक लड़के को दे दिया जाए। अगर मैयत को औलाद है तो माँ बाप में हर एक को छठा हिस्सा मिलेगा, बस अगर मैयत को औलाद न हो और माँ बाप ही इसके वारिस हो तो मैयत की माँ को तीसरा हिस्सा मिलना चाहिए, फिर अगर मैयत को कई भाई बहन हो तो इसकी माँ को छठा हिस्सा मिलेगा। मैयत की वसीयत पूरी कर देने के बाद और मैयत के जिम्मे जो कर्ज हो इसकी अदायगी के बाद बचे हुए माल में ये हिस्से निकाले जाएंगे। तुम्हारे माँ बाप हो या औलाद, तुमको नहीं मालूम कि तुम्हें नफा पहुंचाने में सबसे करीब तर कौन है। ये सब हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए हैं, बेशक अल्लाह ताला ही इल्म वाला और तमाम हिकमतों वाला है, सब कुछ जानने वाला है। तुम्हारी बीवियां जो माल छोड़कर मर जाएं और इन्हें औलाद न हो तो इनके माल में तुमको आधा हिस्सा है, अगर वो औलाद छोड़कर मरी हैं तो तुमको इनके माल में से एक चौथाई हिस्सा मिलेगा। उनकी जो वसीयत हो इसे पूरा करने के बाद और इन पर जो कर्ज हो इसे अदा करने के बाद और तुम्हारी औरतों तुम्हारे तरके में से अगर तुमको औलाद न हो तो एक चौथाई हिस्सा मिलेगा, फिर अगर तुम औलाद छोड़कर मरो तो तुम्हारी बीवियों को आठवां हिस्सा मिलना चाहिए। वसीयत जो तुम कर गए थे इसे पूरी करने के बाद तुम पर बाकी रहे कर्ज की अदायगी के बाद यह हिस्सा बांटी होगी। और अगर ऐसे मर्द या औरत की मीरास का मामला आवे जिसके माँ बाप और औलाद न हो मगर इसको भाई बहन हो तो इनमें से हर एक का छठा हिस्सा होगा, और अगर इससे ज्यादा हो तो एक तिहाई माल में सब शरीक होंगे। ये तकसीम भी वसीयत के पूरा करने के बाद और कर्ज अदायगी के बाद होगी जिसमें किसी का नुकसान न किया गया हो। ये अल्लाह की तरफ से वसीयत जानो, और अल्लाह भी खूब जानने वाले और बर्दाश्त करने वाले हैं। ये सब अल्लाह की बांधी हुई हदें हैं, इनको थाम लो। जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करेगा अल्लाह से दाखिल फरमाएगा सदाबहार जन्नतों में जिसके नीचे नहरें जारी हैं जहां वो हमेशा हमेशा करें, और ये बड़ी जबरदस्त कामयाबी। और सुनो, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और अल्लाह की मुकर्रर की हुई इस हद से निकल भागेगा तो अल्लाह इसको जहन्नम की आग में डाल देगा जहां वो हमेशा हमेशा को जलता ही रहेगा और इसको और ज्यादा रुस्वा करने वाला अजाब होगा। ये आयतें हमने पढ़ी, इसमें विरासत का कानून कुरान मजीद का बयान किया गया, कैसा इतना हिस्सा होगा वैसा होगा तो उतना हिस्सा होगा। कहना हम ये चाहेंगे कि मरने वाला मर गया, जो कुछ मामले उसने दौलत छोड़ी है उसको इन सब रिश्ते नाते वालों के अंदर अपने अपने हिस्से के मुताबिक जो कुरान मजीद ने बताए हैं उसका तकसीम करना फर्ज है। अल्लाह मुझे माफ करे, पूरी हिम्मत के साथ कहता हूं कि मुसलमानों का में इसका रिवाज कम है, तरके की तकसीम बड़ी हद तक नहीं हो पा रही। बड़ा लड़का ही माल और असबाब के ऊपर काबिज हो जाता है, या कभी लड़के होशियार रहे और जबरदस्ती माल पर काबिज हो गए तो सारी जायदाद लड़कियों को हिस्सा नहीं के बराबर मिलता है। सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह ताला की हमद सना और उसकी बड़ाई बड़ाई बयान करते हुए खादिम अर्ज करता है कि मुसलमानों पर लाजिम है कि चाहे उनके सल्तनत हो या न हो, दोनों सूरतों के अंदर उन पर जरूरी और लाजिम है कि माल की तकसीम मर जाने के बाद हमारे होम चाहिए, वसीयत कर जाए। खुद उलमाए कराम भी इसके लिए कोशिश करें कि जिस तरह छोटी मोटी बातों में हम हराम हलाल की बात करते हैं और उसकी तमीज बताते हैं, लाजिम है। जो बड़े बड़े गुनाह हैं, बड़े गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह एक ये है कि तरके की तकसीम उम्मत के अंदर बराबर ना हो रही। इसका जो फायदा मिलेगा आपको माली एतबार से, मसलन समझिए कि एक लड़की ब्याह करके हम बहू बना करके लेके आए, पहले कोई हमारा उसका रिश्ता नहीं था, वो लड़की जिस दिन अपने माँ बाप के यहाँ पैदा हुई उसी दिन अपनी माँ की विरासत में और अपने बाप की विरासत में, विरासत उस माल को कहते हैं कि मरने वाला मर जावे और अगर उसकी लड़की लड़के और बीवी और माँ बाप हैं तो उसमें कुरान के बताए हुए हिस्सों के मुताबिक वो माल अलग अलग जगह में सब लोगों की तरफ तकसीम हो जाएगा। इसमें माल का एक सर्कुलेशन बढ़ता है, माल की जो पोजीशन कुरान शरीफ ने बताई जिसकी वजह से इंसानों की जिंदगी का दारोमदार है, जैसे उसने कुरान मजीद ने कहा और खूब कहा कि वला तुसफा अमवालकुम अल्लती जाल अल्लाह लकुम क़ियामन, के फरमाया बेवकूफों को कम अक्ल लोगों को अपना वो माल मत दो जो अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी के बंदोबस्त का जरिया बनाया है। लेकिन उनको भी चाहे बेवकूफ हों या अकलमंद हों, अगर गरीब रिश्ते वाले हैं तो उनको खाने का इंतजाम करो, उनका कपड़े का इंतजाम करो,
लेकिन विरासत का जहां तक ताल्लुक है उसमें खूनी रिश्ते जिसको जवील अरहाम कहते हैं, रिश्ते नाते कहते हैं, उनको प्रधानता दी गई। हम ये कहना चाहेंगे कि वो लड़की जब पैदा हुई थी अपने माँ बाप के यहाँ, उसका विरासत में हिस्सा लग गया, चाहे वो 100 साल की उम्र में ही क्यों न मरे, अपने मरे हुए माँ बाप के हिस्से में शादीशुदा हो तब भी, कुंवारी हो तब भी, वो उसकी हिस्सेदार हो गई। ये मर्द के अलावा औरतों के अंदर मालियाती सर्कुलेशन बढ़ा देने का एक ऐसा कुरानी हुक्म है जिसमें मुसलमान भी बड़ी हद तक अनजान है। तो हमारे मुल्क के दूसरे भाई जो हैं वो क्या जान सकते हैं। दूसरी बात ये हम कहना चाहेंगे कि लड़की का जिस दिन निकाह हुआ और शादी के लग्न बंधन के अंदर वो आ गई, उसी दिन से दो चीजें उसको और मिल गई। एक चीज तो उसको ये मिली जो जिसको मेहर कहते हैं, वात साथ का सदकात हिन्ना नहला, के औरतों को उनके मेहर खुश दिली से दिए जाए। मेहर उस रकम को कहते हैं जो चाहे छोटी हो या बड़ी हो, लाखों लाख की भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ये सोशल इंश्योरेंस है औरत का कि माँ बाप से छूट करके एक लड़की हिजरत करके पराए घर में बीवी और बहू की हैसियत से आके क्याम कर रही है, और अपने माँ बाप का घर छोड़ करके अपने अपने खुद के घर के अंदर जब मुंतकिल हुई है, तो कुरान मजीद ने, हदीस शरीफ में और इस्लाम ने उसको दो हक दिए। एक हक तो उसको दिया मेहर का कि वो उसकी मिल्कियत में है। कुरान मजीद ने मर्द के सख्त पाबंदी लगाई, फरमाइन आते तो मेहदा हन्ना किरारन फला ताखुद मिनहु शया अताखुदूनहु बोहतानम व इस्मन मुबीना। औरतों को मेहर में तुमने या बख्शिश में माल का ढेर पहाड़ दे दिए हो, तो उसमें से भी जरा सा उसमें से नहीं ले सकते, ये हराम है तुम्हारे लिए। वो औरत की मिल्कियत है, वो चाहे जैसा खर्च कर सकती है, कोई दबाव उस पर नहीं डाला है। आप समझ सकते हैं कि वो लड़की उस खानदान में कुछ नहीं थी, लेकिन बहू बन के जब आई, यहाँ हिस्सा उसका लगा मेहर में पूरा का पूरा, और एक हिस्सा अपने शौहर की के मौत के बाद, खुदा ना करे कैसी ऐसी वफात हो जाए किसी आदमी की, तो उसकी बीवी चाहे वो अजनबी क्यों ना हो, कोई दूर का रिश्ता भी उसका क्यों ना हो, लेकिन निकाह के बंधन आई है उसकी बीवी और पत्नी की हैसियत से आई है, तो मर्द की विरासत के अंदर उसका हिस्सा है। खुदा ना करे किसी खातून के शौहर का, उसके पति का इंतकाल हो गया, तो उसकी जायदाद में, उसकी हवेली में, उसके बैंक बैलेंस में, उसके मकान में, उसकी खेती बाड़ी में, उसके दुकान के माल में औरत शरीक बराबर उस हैसियत से है जो हैसियत कुरान और हदीस में उसकी दी गई। इस वक्त कानूनी मसाइल से बहस करना मकसद नहीं है, मालियाती जो सांचा ढांचा है जिस वजह से दुनिया के अंदर गुर्बत बढ़ती चली जा रही है और मालदार से ज्यादा होते चले जा रहे हैं, और औसत तबका जो है वो भी ज्यादा खुशहाल नहीं है, इस सूरत हाल को बदलने के लिए शरीयत ईमानी जिसको हम कुरान और हदीस की तालीम कहते हैं वो विरासत का इंतजाम करती। अच्छा, दूसरे नुक्ते नजर से गौर कीजिए कि औरत चाहे गरीब खानदान से लड़की आई हो, गरीब से आई गई, क्या जरूरी है कि उसकी औलाद जो है कल पैसे नहीं होगी, वही टाटा बिरला और बड़ा बड़ा कोई इस्माइली और आगा खानी हो सकते हैं, वो इसमें कोई शुबा नहीं है। रिस्क की तकसीम जो है से होती है, तर्जक मंतशा बगैर हिसाब, जिसको चाहते हैं बेहिसाब रिस्क देते हैं, कोई अजब नहीं कि उस गरीब औरत के पेट से पैदा होने वाली औलाद करोड़पति हो, उस औलाद के मरने के बाद में भी खुदा ना करे हो, लेकिन जिस जिंदगी में हम जी रहे हैं वो हकीकत है, हकीकत का हमने इकरार करना चाहिए, ऐसी औरत को अपनी औलाद के भी कुरान मजीद ने हिस्सेदार करार दिया कि इस्लाम ने मालियात जो है उसको गंज नहीं होने दिया। एक जगह खजाना जमा हो गया, अब दरवाजा ही नहीं खुल रहा होगा और एक ही आदमी उसके ऊपर सांप बन करके बैठा हुआ, नहीं, दौलत जो है मुख्तलिफ खानदानों के अंदर और मुख्तलिफ रिश्ते नातों के अंदर बढ़ जाएगी। एक तरफ ज़कात का इंतजाम, दूसरी तरफ फितरे का इंतजाम, तीसरी तरफ सूद और ब्याज की पाबंदी, और चौथी तरफ भूल गया मैं कि कर्जों की माफी का भी ऐलान किया उसने कि इकान जुसरतिन फनजरतुन इला मसरा, फरमाया कोई कर्जदार इस हाल में नहीं है कि तुम्हारा कर्ज दे सके, तो मुद्दत दो जब तक के वो देने की पोजीशन में ना आए, और अगर नहीं आता है तो इन तरफ अकरब तकवा, अगर माफ करो तो तकवा और परहेजगारी की मजहब के एतबार से बहुत ऊंची चीज है। मजहब का नाम गाने जाने ढोल ताशे और नाच गाने के नहीं है,
और कवालियां बोलने के गीत गाने के नहीं, मजहब के माना ये है कि मालिक के हुक्म के ऊपर आदमी अमल करे। उन्होंने मीरास की तकसीम का हुक्म दिया, अल्लाह रसूल ने उसकी हम पाबंदी करे। एक बात और कहना चाहता हूँ, मुसलमान आलिम भी इस पर गौर करेंगे कि बहन भाई की वारिस नहीं होती, लेकिन कुरान मजीद में एक केस ऐसा है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह निसा में किया। वो आयत पढ़ता हूँ मैं कि इन इमरऊन हलका लैसा लहू वलदुन वलहू उख्तुन फला निसफु मा तरक। कोई नियत ऐसी हो कि जिसके औलाद न हो, बाज़ उलमा ने लिखा कि औलाद और माँ बाप दोनों न हो, उसकी जायदाद के अंदर विरासत में सिर्फ एक बहन जिंदा हो, 50% उसको मिल जाएगा, यानी उसकी जायदाद का 50% हिस्सा उसको मिल जाएगा। यह सूरत हाल इस बात को बताती है कि औरत के ऊपर घर का खर्चा खाना और कमा के लाना और बच्चों की भविष्य के लिए माल खर्च करने की कोई जिम्मेदारी नहीं, ये सिर्फ मर्द की है। दूसरे, विरासत में उसको चारों तरफ से बेटी की हैसियत से माँ बाप के विरसे में शरीक हुई और बीवी पत्नी की हैसियत से अपने शौहर की विरासत में शरीक हुई और मह की मालका भी पत्नी की हैसियत से बनी और अपनी औलाद के विरसे में तरखे में शरीक हुई। और कलावाली मौत अगर खुदा ना करे कोई हो तो उसमें अगर एक भी बहन हो तो उसको आधा हिस्सा मिल जाएगा। मैं इससे ये कहना चाहूंगा कि इस्लाम मजहब के माना में कोई मजहब नहीं है, इस्लाम दीन है। मजहब का लफ्ज इस्तेमाल कुरान में कहीं नहीं हुआ, इन्नत दीन इंदल्लाहिल इस्लाम हुआ। अल्लाह के नजदीक दीन दीन इस्लाम, दीन कहते हैं कानून को, मुनासिब बदले को, दीन कहते हैं इंसाफ को, दीन कहते हैं जिंदगी के बंदोबस्त को। और फिर दीन को कोई मजहब भी कहे और धर्म भी कहे तो इसमें कोई आज नहीं समझता, लेकिन दीन का असल सांचा ढांचा यह है हक और बुनियाद के ऊपर खड़ा हुआ एक ऐसा तर्ज जिंदगी और एक ऐसा निजाम जिंदगी जिसकी मईशत, जिसकी इबादत, जिसकी वसीयतें और जिसके तरके की तकसीम, जिसकी जकात, जिसकी त्यौहार, जिसकी पाबंदियां फजूल खर्च के ऊपर और जिसके ये अवामिर ये करो वो मत करो, इस तरह करो उस तरह करो, ये सब चीजें ईमान वाले माशरे को ऐसी बंदिश में लाती हैं। इस बंदिश को उसने हुदूदुल्लाह कहा। और साफ अभी आप मुझसे सुन चुके हैं और आप खुद भी पढ़ लीजिए इन आयतों को, सूरह निसा के पहले रुकू के बाद में मिलती हैं। उन आयतों में यह बताया गया कि जो विरासत की तकसीम करेगा वो जन्नत का मुस्तहिक है और अजाब से बच जाएगा, और जिसने हमारे कानून की खिलाफ वर्जी वो जहन्नम में जाएगा। इसलिए हर शख्स को मरना है, मरने वाले जो है सब समझ लें इसको, अपनी औलाद के लिए और अपने बेटे बेटियों के लिए और अपने माँ बाप के लिए वसीयत कर जाए कि हमारी हमारे माल की तकसीम हमारे मरने के बाद में किसी आलिम से, अल्लाह वाले किसी आलिम से, जानने वाले से पूछ लिया जाए। का शुक्र है कि मुल्क हिंदुस्तान में उलमाओं की बड़ी भारी तादाद ऐसी मौजूद है जो तकसीम विरासत के बारे में मुकम्मल इल्म रखते हैं, कानूनी एतबार से भी, कुरान हदीस के एतबार से भी, फिक्र के एतबार से। मौजूदा दौर में किसी हुकूमत ने हम पर पाबंदी नहीं लगाई है कि हम तकसीम विरासत न करें, लिहाजा मैं कहता हूं हमारी अख्तियारी जिंदगी में इसको भी शामिल करना चाहिए। जैसे तकरीर के पहले हिस्से में मैं कह चुका था जिंदगी का एक हिस्सा अख्तियारी है, शरीयत के लिहाज से गैर अख्तियारी है, तो जो अख्तियारी है उसमें तो हम पर कोई पाबंदी नहीं। जो गैर अख्तियारी ऐसे अहकाम अल्लाह ताला के, मसलन बोहतान लगाने वाला जो है उसको 80 कोड़े मारे जाए, जानी को सजा दी जाए या चोर को हाथ काटने की सजा दी जाए, हम इसके मुकल्लफ नहीं है, इसलिए कि हमारे अख्तियार में नहीं है। लेकिन जहां मुसलमानों की सल्तनत है, उनके हाथ में सल्तनत नाम है, उन पर लाजिम है, अगर वो इस पर अमल नहीं करते हैं गुनहगार हैं, और हम इस पर अमल नहीं कर पा सक रहे हैं, मजबूर हैं, इसलिए हम गुनहगार हैं। लेकिन जो चीज हमारे अख्तियार में है और हम पर कोई पाबंदी नहीं है कि हम वो न करें, तो हम पर लाजिम है कि हम अल्लाह के उस अमल के ऊपर और उस हुक्म के ऊपर, रसूल के उस हुक्म के ऊपर अमल करें, इसके बगैर हमारी निजात नहीं है। अब मैं एक बार और कहना चाहूंगा कि माली ना बराबरी और रिस्क की जो तकसीम है उसमें अल्लाह ताला का यानी सुल्तान कायनात का जहां तक ताल्लुक है, उसने दो बातें कही। फरमाया कि यब्सुतु रिस्क लिमन यशा, जिसको चाहता है कुशादगी और फैलाव से रिस्क देता है, जिसको चाहता है नफातुल्लाह रिस्क देता है। लेकिन उसने ये भी कहा कि बोलो बसतुल्लाह बाद ही लबोफिल अर्ज, अगर अल्लाह ताला सबको रिस्क बराबर सबको 10-10 लाख रुपए की मालियत का बना देता, फरमाया लबगो फिल अर्ज, इनमें बगावत हो पैदा हो जाए, कोई नौकरी नहीं करता, कोई आपका ड्राइवर नहीं बनता, कोई इंजीनियर नहीं बनता, कोई तालिब, एक को तालिब इल्म बनाया, एक को उस्ताद बनाया, एक औरत बनाया, एक मर्द बनाया,
ये सब कुदरत की तरतीब है। गरीब अमीरी का ताल्लुक एक दर्जे में कुदरत से है, लेकिन दूसरे दर्जे में समाज के उस तबके से है जिसको अल्लाह ताला ने मालदार बनाया। तो मैं ये इस तकरीर का मालियात के हिसाब के मामले में दूसरे हिस्से के ऊपर आपके सामने कोई कानूनी बहस नहीं कर रहा था, बल्कि अल्लाह उसके रसूल के कानून का तस्करा फरमा। एक बात और कहना चाहूंगा इस मुख्तसर से वक्त के अंदर के कत्ल किसी इंसान का किसी इंसान ने किया, उस कत्ल के ऊपर उस पर सजाए मौत है। फरमाया इन्ना नफ्सा बिन नफ्स, जान के बदले जान कत्ल होगी। और फरमाया वलकुम फिल किसास हयातुन या अलबाब, के इंसानों तुम्हारे लिए कत्ल का बदला दिलाने के अंदर ही जिंदगी है, वरना इंसानी जिंदगी बेकीमत हो जाए। हम जिस मुल्क में सेकुलर मुल्क में रहते हैं उसमें हम इस पर अमल नहीं कर सकते, लेकिन सैकड़ों हमारी सल्तनतें हैं और कई उसमें ऐसी हैं जो इस्लाम के नाम पर बनी हुई है। मैं पूरे हिम्मत के साथ कहता हूं कि उन्होंने हमसे झूठ बोला ये नहीं कहता, लेकिन हमें झांसा दे करके हुकूमत इस्लाम के नाम से बनाई गई और उसके बाद में इस्लामी कानून को खास तौर पर तादीरी कानून को उन्होंने छुट्टी कर दी। किसी शख्स को वो कुरान मजीद की आयत नंबर 168-170 सूरह बकर का हवाला देता हूँ, सूरह मायदा का 45 नंबर आयत, सूरह निसा की 92-93 नंबर की आयत के अंदर, इनमें सब में अहकामात लगे हुए, मामूली जख्म भी किसी को पहुंचाया है तो फरमाया वल जुरूह किसास, इसका भी बदला है। हदीस शरीफ में सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के कत्ल के बदले कत्ल है, लेकिन रिश्ते नाते वाले मकतूल के ये कहें कि मरने वाला मर गया, अब हमारे बाल बच्चों का क्या हो और हम कैसे जिंदगी गुजारें, तो उसको शरीयत में देहत कहा गया है। देहत उस कानून को कहते हैं, इसको अंग्रेजी में ब्लड कंपनसेशन भी कह सकते हैं। जख्मों का भी बदला है। इन मुस्लिम मुल्कों के अंदर मारकाट और गोलियां चलती मस्जिदों में और एक दूसरे को छुरेबाजी करते हैं और आपस में ईरान इराक की जंगें होती हैं और लाखों आदमी मारे जाते हैं, ये कहां मर गए? इनको मालूम होना चाहिए कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इन सारे किताब के मौके के ऊपर सबसे मारा मारी हो या किसी गैर के ऊपर हमारा हाथ उठता हो उसमें उसने ब्लड कंपनसेशन रखा है, नहीं तो उसने कसास रख। और मैं साफ कहता हूं उलमा भी इस पर गौर कर लें और हमारी जो इस्लाम के नाम पर हुकूमत है वो भी गौर कर लें कि किसी शख्स को कत्ल करने के ऊपर उसको जो कंपनसेशन का जो मुकर्रर किया है हदीस शरीफ में 2000 बकरियां 200 गाय या 100 ऊंट आज के हिसाब से 20 से 30 लाख रुपया होता है रोए जमीन पर बसले इंसान वालों के लिए। ने जाले का तखफीफ मिन रब्बकुम रहमा, फरमाया तुम्हारे रब की तरफ से तखफीफ रहमत है। आज मुस्लिम मुल्कों के अंदर आपसी मारामारी पब्लिक में बड़े लोगों के अंदर जो हो रही है, इसकी बड़ी वजह यह है कि ये बढ़ते चले जा रहा है ये मर्ज। अगर कानून किसास और दियत यानी ब्लड कंपनसेशन अगर दिया जाए, खून का हरजाना जख्मों का हरजाने की अदायगी हो, जैसा कि हदीस शरीफ में है कि हरजाना देने के लिए सामने वाले के पास पैसा नहीं है, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल माल से और ज़कात में से वो पैसा दिया। मतलब मेरा कहने का ये कि हर तरह पैसा जो है वो घूमता हुआ नजर आए, एक सर्कुलेशन हो मेडिकल। अल्लाह तुम्हें मुबारक करे कि मैंने ये बातें तुम्हारे सामने रखी, आप उम्मीद है कि इस पर गौर करेंगे। Allah, 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 Allah.